इधर असम के करीमगंज में एक आदमी बोरी में सिक्के भरकर मोटरसाइकिल खरीदने पहुंच गया। इन सिक्कों को वो आदमी काफी सालों से इकट्ठा कर रहा था। ये खबर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई। बताया गया कि छोटा सा कारोबार करने वाले सुरंजन रॉय काफी वक्त से इन सिक्कों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अपने सपनों की मोटरसाइकिल खरीद सकें। और जैसे ही सिक्कों की रकम 50,000 हुई वो मोटरसाइकिल शोरूम पहुंच गए। बोरी में भरकर लाए गए इन सिक्कों को देखकर शोरूम कर्मचारी हैरान रह गए, जिसके बाद शोरूम के मालिक से इसकी चर्चा की गई और मोटरसाइकिल देने का फैसला किया गया। इसके बाद सुरंजन रॉय ने 50,000 के सिक्के डाउन पेमेंट के तौर पर दिए और बाकी रकम को फाइनेंस करवाया। बता दें कि भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत बैंक, वित्तीय संस्थान या कोई भी कारोबारी देश की किसी भी वैध मुद्रा, सिक्के या करेंसी नोट को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये कानून का उल्लंघन है और मुद्रा का अपमान माना जाएगा, जिसमें सजा या जुर्माने का प्रावधान है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रूस की फौज के काफिले का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने यूक्रेन की फौज की टेंशन बढ़ा दी। रूस बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट से बने बंकरों को यूक्रेन में भेज रहा है। रूस की फौज की ये तैयारियां हैरान करने वाली हैं।